नमस्कार पंजाब की सिटी भी देख रहे हैं आप। तो ये तस्वीर अब देख रहे हैं आप शिमला की। ये देखिए सफेद चादर में जो है अब आपको शिमला यहाँ पर लिपटा हुआ नजर आएगा। अभी तक हल्की हल्की बर्फबारी थी लेकिन अब पूरी तरह से सफेद चादर में जो है वो आपको शिमला यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए ये देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर जिस तरह से अब बर्फबारी का जो क्रम है वो काफी तेज होता हुआ राजधानी में नजर आएगा। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये माल रोड की तस्वीर है नीचे। ये देखिए माल रोड पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ सा, और ये देखिए ये नजारा है अब शिमला का। ये देखिए ये नजारा है रिज मैदान का। नजारा अब आपको दिखा देते हैं, पूरा का पूरा रिज मैदान जो है वो बर्फ की सफेद चादर में आपको नजर आएगा। ये देखिए ये देखिए ये रिज मैदान का नजारा है। सुंदर खूबसूरत तस्वीरें, पूरा का पूरा सफेद चादर में आपको अब शिमला यहाँ पर लिपटा हुआ नजर आएगा। ये देखिए अब जो जिस तरह से पहले हवा चल रही थी उससे भी अब जो है वो विराम मिला है। और ये देखिए इस तरह की तस्वीरें अब निकलकर शिमला से आ रही हैं, बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत ये तस्वीरें। ये देखिए अलग अलग जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। ये देखिए पूरे प्रदेश भर में अब बर्फबारी जो है वो हो रही है, और ये रिज मैदान की तस्वीरें हैं। बीकानेर के छोटे से गांव तेजरासर से निकलकर महानगरी, ये देखिए देखिए पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ अब आपको शिमला नजर आएगा। पूरी तरह से सफेद चादर अब राजधानी शिमला में बिछ गई है। ये देखिए बर्फ की सफेद चादर। ये देखिए तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें अब शिमला की, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। अब पूरी तरह से आपको इस मैदान जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए अब देख सकते हैं आप, काफी तेज बर्फबारी का ये सिलसिला अब शुरू हुआ है और अब जो है बर्फ ठहरनी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप रिज मैदान जो है पूरी तरह से अब आपको सफेद नजर आएगा। ये देखिए ये देखिए
ये आपको ये देखिए ये देखिए। तो ये तस्वीरें हैं अब राजधानी शिमला की, खूबसूरत ये तस्वीरें, बहुत ही मनमोहक तस्वीरें। बर्फबारी का सिलसिला काफी तेज अब जो है यहाँ पर हो गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर है राजधानी शिमला के हरेज मैदान की। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। हेलो सर, हाय। और ये देख सकते हैं आप, काफी तेज अब जो है बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा था कि आज और पिछले कल दो दिन का ऑरेंज अलर्ट था, हालांकि मौसम अभी भी आने वाले दिनों में खराब रहेगा, लेकिन जो भारी बर्फबारी का अलर्ट था वो आज और पिछले कल था। पिछले कल हालांकि शिमला में उस तरह की बर्फबारी शहर में नहीं हुई, लेकिन ऊंचाई वाले जो शिमला के इलाके हैं, खड़ा पत्थर, नारकंडा, वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली। और आज जो है वो राजधानी शिमला में भी आप देख सकते हैं कि पूरी सफ़ेद चादर जो है बर्फ की यहाँ पर बिछ गई है, और लोग पर्यटक जो हैं इसका पूरा आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर है। ये अब नज़ारा है हरेज मैदान का, खूबसूरत ये नज़ारा, खूबसूरत तस्वीरें। ये देखिए अब इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं रिज मैदान से, लबालब बर्फ से अब रिज मैदान जो है आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सफेद चादर बिछी हुई है बर्फ की। ये देखिए ये नज़ारा है खूबसूरत, ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा रेज मैदान जो है वो बर्फ से भरा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं शिमला के रेज मैदान की, खूबसूरत ये तस्वीरें। ये देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लंबा ड्राई स्पेल गया और उसके बाद अब ये राहत की बर्फबारी यहाँ पर हुई है, इससे सभी के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। खासतौर पर जो किसान बागवान हैं और जो पर्यटक हैं वो काफ़ी खुश है इस बर्फबारी को देखकर। और ये देखिए रिज मैदान की खूबसूरत तस्वीरें देख भी रहे हैं आप, काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं इस बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये नज़ारा है रिज मैदान का। ये देखिए, तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।